करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नीलांचल क्लासेस पर। मैं हाजिर हूँ फिर से टॉप 10 करंट अफेयर पर चर्चा करने के लिए। तो मूव ऑन करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले कल का आंसर जान लेते हैं क्या था। तो कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है। हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अनुसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा हवाई अड्डा है जिसे सीमा शुल्क अनुसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। इसके चार विकल्प इस प्रकार है। ए छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। ऑप्शन सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। शास्त्री हवाई अड्डा ऑप्शन डी है इसका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा हवाई अड्डा है जिसे सीमा शुल्क अनुसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा कहां पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। बात करें कुशीनगर की तो कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहां पर? कुशीनगर में। क्या प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कौन सी घटना को कहते हैं जहां पर महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? कुशीनगर हवाई अड्डे को ही अधिसूचित हवाई अड्डा क्यों घोषित किया गया है? तो जो बौद्ध तीर्थ यात्री हैं उनको आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना। बौद्ध तीर्थ यात्रियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। तो कौन सा हवाई अड्डा है? कुशीनगर हवाई अड्डा। ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बात करें कुशीनगर की तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, और ये बौद्ध तीर्थ यात्री को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में भारत में से कौन सदस्य शामिल है। तो इसके चार विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए विराट कोहली,
अजय कुमार। ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी सोनू सूद। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताइए कि 100 प्रभावशाली लोगों में भारत का कौन से सदस्य शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी टाइम पत्रिका 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हैं। अब बात करें भारत के कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, तो भारत के 3 सदस्य शामिल हैं। कौन कौन से? एक नंबर 3 सदस्य भारत के शामिल हैं, 3 सदस्य भारत के हैं। कौन कौन से? पीएम मोदी, दूसरे नंबर पर कौन है? ममता बनर्जी, और तीसरे कौन है? उदार पूनीवाला। तो ये 3 सदस्य हैं जो टाइम पत्रिका 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल है। तो कौन कौन शामिल था? नरेंद्र मोदी जी। बात करें भारत की, तो भारत के कितने सदस्य शामिल हैं? 3 सदस्य शामिल हैं। कौन कौन? पीएम मोदी, ममता बनर्जी और उदार पूनी वाला। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6 संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, जिसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका चीन। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस शंघाई संगठन की 21वें जो संस्करण है, 6 संस्करण है, उसकी मेजबानी कर रहा है। तो बात करेंगे हम SCO शंघाई सहयोग संगठन की, SCO की बात कर रहे हैं। बात करें इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में। मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में। बीजिंग में इसका मुख्यालय है। बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है आतंकवादी विरोधी अभियान। आतंकवादी विरोधी अभियान। आतंकवादी विरोधी अभियान इसका उद्देश्य है। अगर बात करें इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं। बात करें भारत की, तो भारत ने इसमें दूसरी बार शामिल हुआ है। भारत दूसरी बार शामिल हुआ है। और भारत और पाकिस्तान एससीओ में, एससीओ के सदस्य कब बने थे? 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने थे। अगर हम बात करें एससीओ के 8 सदस्य की, तो कौन, क्या क्या नाम है उनके? नंबर 1 पाकिस्तान, भारत। नंबर 2 पर कौन है? भारत।
4 पर कजाकिस्तान, फिर कौन है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद कौन है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद है रूस और तजाकिस्तान। तो एससीओ में कितने सदस्य हैं? पाकिस्तान, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान। तो 5 सदस्य वो है जिनके पीछे तान आ रहा है, तो वैसे याद हो जाएगी कि पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, और 3 कौन कौन से, भारत, चीन और रूस। कितने सदस्य हो गए? 8। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि शंघाई सहयोग संगठन के शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो वो कर रहा है रूस। भारत इसमें दूसरी बार शामिल हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम एससीओ की, तो एससीओ की मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में है। उद्देश्य क्या था जो शांतिपूर्ण मिशन था? उसमें आतंकवादी विरोधी अभियान। कितने सदस्य हैं एससीओ में? 8 सदस्य हैं। भारत कब और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? 2017 में। और साथ में 8 सदस्य शामिल जाने कौन कौन है? पाकिस्तान, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस तथा तजाकिस्तान, ये 8 सदस्य हैं। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान 2017। आसियान 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको बताना है आसियान की मेजबानी कौन करेगा। तो ऑप्शन ए है बंदर सेरी बागवाना, ऑप्शन ए बंदर सेरी बागवाना, ऑप्शन ए है बंदर सेरी बागवाना, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ऑप्शन सी है बीजिंग। ऑप्शन डी है मास्को। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए आसियान 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो ये कर रहा है बंदर सेरी बागवाना। अगर बात करें बंदर सेरी बागवाना तो ये क्या है? तो ये है ब्रुनोई की राजधानी। किसकी राजधानी है? ब्रुनोई की, ब्रुनोई की राजधानी है बंदर सेरी बागवाना। ठीक है, अगर बात करें हम आसियान की, आसियान का स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय है जकार्ता में। वही बात करें कितने सदस्य हैं इसमें? 10 सदस्य। क्या भारत इसमें शामिल है? जी नहीं, भारत इसमें शामिल नहीं है। बात करेंगे हम 10 सदस्य कौन कौन से शामिल है, तो उनके हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से सदस्य शामिल है।
लाओस, लाओस और कंबोडिया। आसियान में कितने देश सदस्य शामिल हैं? 14 सदस्य। कौन कौन से? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो कितने सदस्य थे? 10। 10 के 10 हमने नाम जान लिए हैं। तो आसियान की मेजबानी कौन कर रहा है? बंदर शेरी बागवाना। बंदर शेरी बागवाना क्या है? तो ये राजधानी है ब्रुनेई की। साथ में क्या देना? आसियान के बारे में। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है जकार्ता में। कितने सदस्य शामिल हैं? 10 सदस्य शामिल हैं। और क्या भारत शामिल है इसमें? जी नहीं, भारत इसमें शामिल नहीं है। 10 सदस्य कौन कौन से शामिल है? तो वो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये 10 सदस्य इसमें शामिल है। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर एनसीसी के व्यापक समझौते व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति किसके अध्यक्षता में गठित की गई है? तो आपको बताना है एनसीसी की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है तो किसकी अध्यक्षता में? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सूर्य प्रकाश, ए सूर्य प्रकाश। ऑप्शन बी हो जाएगा वैजयंत पांडे, वैजयंत पांडे। ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद मठ, आनंद मठ। ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एनसीसी की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा वैजयंत पांडे। वैजयंत पांडे की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। कितने सदस्य है समिति में? 15 सदस्य है। ठीक है, अगर हम बात कर ले किस मंत्रालय के अधीन है तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन, एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अधीन। वही हम बात करेंगे कि जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है? तो वो है दिल्ली में। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए समिति गठित की है तो किसके अध्यक्षता में की है? वो वैजयंत पांडे की। इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। कौन सा मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। और एनसीसी का मुख्यालय कहां पर है? वो है दिल्ली में। और एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी आशा की घोषणा किन देशों ने की है? तो क्या हुआ है? त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी हुई है तो उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका, इंग्लैंड और अफ्रीका, हाँ सॉरी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
और भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और भारत। कनाडा और भारत। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, रूस और भूटान। ऑस्ट्रेलिया, रूस और क्या है, भूटान। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि द्विपक्षीय संरक्षा जो समझौता हुआ है उस साझेदारी उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन सी साझेदारी की है, आक्सा। अब बात करेंगे आक्सा क्या है, तो आक्सा जो ये तीनों देश है अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूके किसको बोलते हैं, इंग्लैंड, और यूएस अमेरिका। इन तीनों को ही शॉर्ट में लिख दिया है आक्सा। कैसी कैसी साझेदारी है, त्रिपक्षीय साझेदारी, त्रिपक्षीय साझेदारी साझेदारी। वही बात करें क्या है, तो इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए है। किसके वजह से, चीन के वजह से, चीन के बचाव से। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि त्रिपक्षीय समझौता हुआ किन तीन देशों के बीच, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, आक्सा। इन तीनों की शॉर्ट फॉर्म है आक्सा, त्रिपक्षीय समझौता है चीन के बचाव से। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेड में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आपको बताना है क्वेड में कौन सा देश शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेड। क्वेड में कौन शामिल नहीं है, इसके चार विकल्प इस प्रकार से हैं, इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका जापान, ऑप्शन डी रूस। आपको बताना है क्वेड में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं क्वेड में। तो रूस शामिल नहीं है। कितने देश शामिल है इसमें, चार देश शामिल है, कौन कौन से, भारत, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑस्ट्रेलिया और कौन सा मिला, जापान। इस क्वेश्चन में भी कहना क्वेड, क्वेड में कौन सा मिल नहीं है, तो उसका आंसर था रूस। और साथ में भी कहना क्वेड में कितने सदस्य शामिल है, तो कितने सदस्य शामिल है, चार, कौन कौन से, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। दूर संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बढ़ाकर कितने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8, जिसका ऑप्शन नंबर ए है 49%, 49%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी हो जाएगा 50%, और ऑप्शन डी है 60%। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कर
संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 100%। जो संचार क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में FDI बढ़ाकर 100% कर दी है। किसने की है? तो यह है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत। बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य क्या है? निवेश को बढ़ाने के लिए। उद्देश्य क्या है? निवेश को बढ़ाने के लिए। इस क्वेश्चन में जाना कि दूरसंचार क्षेत्र में FDI कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, तो वो बढ़ा दिया गया है 100%। किसके अधीन? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधीन। निवेश उद्देश्य क्या है? निवेश को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। इसका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमान सुरक्षा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसके ऑप्शन ए है VM कनाडे। ऑप्शन बी हो जाएगा सैफाली जुनार्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा दिनेश कुमार। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका संतोष जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा सैफाली जुनर्जा, जिन्हें नागरिक सुरक्षा उड्डयन समिति का नए अध्यक्ष चुना गया है। अगर बात करें सैफाली जुनर्जा, तो ये पहली महिला अध्यक्ष है। कौन है? पहली महिला अध्यक्ष। अगर बात करें हम अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की, नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है मॉन्टेरियो कनाडा में। इसका मुख्यालय है। साथ ही हम बात करें कि ये इसका उद्देश्य क्या है, तो हवा में जो यातायात के नियम है उनको निर्धारित करता है। हवा में यातायात के नियमों को निर्धारित करता है। सुरक्षा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो है सैफाली जुनर्जा, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। साथ में जाना नागरिक उड्डयन संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में, और इसका मुख्यालय है मॉन्टेरियो कनाडा में, और इसका काम क्या होता है? हवा में यातायात के नियमों को निर्धारित करना। इसी
साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो आपको बताना है किस खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है। ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी। ऑप्शन बी हो जाएगा गीता सेठी। ऑप्शन सी है इसका अमी कमानी। ऑप्शन नंबर डी है इसका लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार स्काई स्नूकर अवार्ड खिताब जीता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है पंकज आलवाड़ी। तो बात करें इन्होंने इसका जो एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप खिताब है उसमें दूसरी बार अवार्ड जीता है और हम स्कूनर को ब्लू रेड भी बोलते हैं। स्कूनर का नाम भी अगर स्कूनर की जगह विलियर्ड लिखा जाए तो भी आंसर यही होगा पंकज आडवाणी। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है। आज का लास्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है जिसके चार विकल्प इस प्रकार हैं। दिनेश शर्मा, ऑप्शन बी है नागरिक कमल, नाशिद कमल। ऑप्शन सी है इसका अजीत कुमार। ऑप्शन डी हो जाएगा महेश सिंह। तो क्वेश्चन था कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया।